आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम तैयार कर रहे हैं यखनी मटर पुलाव। विंटर सीजन है और मटर इतना ताज़ा, इतना फ्रेश आ रहा है, जल्दी गल जाता है। उसमें बहुत स्वाद भी है, बहुत जायका होता है मटर जो विंटर सीजन में आता है। तो उससे आज हम तैयार करेंगे ये पुलाव। देख सकते हैं आप कितना खिला खिला चावल तैयार हुआ है, कितना ज़बरदस्त इसका जायका है। पूरा घर इसकी वजह से महक रहा है, बच्चों को बहुत पसंद आया है, वो पहले ही निकाल के इसमें से ले गए हैं। तो चलिए मैं फटाफट दिखा देती हूँ कि यखनी मटर पुलाव मैंने किस तरह से तैयार किया है। तो यहाँ हमने पैन रखा है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब मैं इसको सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप रिफाइंड में बना सकते हैं, घी में बना सकते हैं। यहाँ हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, एक तेज पत्ता जिसको हमने तीन टुकड़ों में कर लिया, एक बड़ी इलायची, दालचीनी के दो टुकड़े हैं, तीन हरी इलायची और चार पाँच लौंग है। तो तेल गर्म होते ही हम इसको डाल देते हैं। एक मिनट इसको हम कड़कड़ा लेंगे, जो इसका अरोमा है इन खड़े मसालों को वो तेल में आ जाएगा। हमने 1 कप मटर ली है, थोड़ा सा रंग बिरंगा करने के लिए हम आधी सी गाजर ली है, हरी और लाल मिर्च ली है, वही रंग बिरंगा करने के लिए, इसलिए हमने दो तरह की लाल मिर्च ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो हो वो ले लीजिएगा, हरी ले लीजिएगा। कुछ अदरक के जूलियंस हमने लिए हैं और अदरक जिंजर का पेस्ट हम यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें हम डाल देते हैं। 1 मिनट इसको हम भूनेंगे तेल में। बच्चों की फरमाइश हुई है कि इसमें आलू भी डालिए, हमें मटर का सिर्फ नहीं चाहिए, तो चलिए हम एक आलू भी छोटा सा बिल्कुल डाल देते हैं। और छोटे छोटे टुकड़े हमने किए हैं, इसको भी 1 मिनट हम भूनेंगे। अब इसमें हम दही डाल देते हैं, 2 से 3 चम्मच आप डाल दीजिए। अब इसको भी हम भून लेते हैं 1-2 मिनट दही के साथ भी, साथ में नमक डाल देते हैं। अब सारे मसाले हमने डाल दिए हैं, बाकी इसमें कुछ मसाला और नहीं डलेगा। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि यखनी पुलाव बना रहे हैं बिल्कुल उसी स्टाइल में हम तैयार कर रहे हैं, ज्यादा इसमें मसाले डलते नहीं है। सारा अरोमा जो है हरी मिर्च का और खड़े मसालों का होता है। तो 3-4 मिनट इसको हम लो फ्लेम पे ऐसे ही अभी पकने देते हैं। 3-4 मिनट हमने पका लिया, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। 10 मिनट के लिए इसको हम गलने के लिए छोड़ेंगे। बाकी जो इंग्रीडियंट्स हैं मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। यहाँ देख लेते हैं 10 मिनट हो चुका है, देख लेते हैं कि आलू और गाजर और कैसे गला है। देखिए अच्छे से गल गया है, मटर भी गल गया है और गाजर भी गल गया है, बिल्कुल परफेक्टली गलावट हो चुकी है। 80% आपको कुक कर लेना, थोड़ी बहुत कसर बाकी रहनी चाहिए जो चावल के साथ होगा। मैंने 1/4 कप बासमती चावल लिया है जिसको आधा घंटा भिगो दिया था। चावल को हम एक बार मिक्स कर देते हैं मटर आलू गाजर के साथ, ताकि चावल में भी टेस्ट आ जाए। 2 मिनट को हम ऐसे ही पकने देते हैं। अभी खोल के सारे मसालों के साथ, सारी सब्जियों के साथ बहुत लाइटली चलाना है, क्योंकि बासमती चावल है, इसको आप लाइटली चलाइए और न टूट सकता है। खिला खिला चावल होना चाहिए, जो भी हम पुलाव बनाए बिल्कुल खिला खिला बनना चाहिए, चाहे वेज हो नॉन वेज हो। बस हम 2 मिनट को ऐसे ही छोड़ देते हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। 2-3 मिनट अच्छे से हमने इसको भून लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे, 1/4 कप चावल था तो हम इसमें 1.5 गुना पानी इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ कुछ हमने अदरक के जूलियंस रोक लिए थे, अब हम इसको इस स्टेज पे भी डालेंगे। थोड़ा सा एक बॉईल आने का वेट करते हैं, उसके बाद इसका हम नमक चखेंगे। बॉईल आ चुका है और नमक चख लेते हैं। नमक हमें एक स्टेज पे कम लग रहा है तो हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। इस वक्त आपको नमक थोड़ा सा ज्यादा लगना चाहिए, यानी कि अपर साइड पे होना चाहिए, क्योंकि जब पानी सूखेगा और चावल में वो नमक बैलेंस हो जाएगा। तो इसको छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। अभी इसको हम ढकेंगे नहीं, पानी सूखने का हम वेट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पानी सूख गया है, बीच बीच में आपको छेद छेद से दिख रहे होंगे। इसी स्टेज पे हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। अब तक फ्लेम जो थी मीडियम पे थी, बस हम ऊपर से इसमें लाल प्याज यानी कि ब्राउन अनियन जिसको हम कहते हैं बिरयानी वाली प्याज, वो डाल देते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको रखना है 7-8 मिनट के लिए, जब तक ये पानी सूख नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मटर पुलाव तैयार हो चुका है। चलिए तो इसको हम सर्व करते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ इसको, देखिए कितना खिला खिला चावल तैयार हुआ है। थोड़ा सा इसमें हम घी डाल देते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे आप डाल दीजिए, अच्छी खुशबू आएगी, अरोमा बढ़ेगा और जायका भी बढ़ेगा। तो 10 मिनट को हम ऐसे ही ढक देते हैं, जो गैस हमने ऑफ कर दिया। 10 मिनट में आपको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही खुशबूदार जायकेदार तैयार हुए हैं, जरूर मेरे तरीके से आप इसको ट्राई करिएगा। और मैं इसको आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कितना खिला खिला चावल तैयार हुआ है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा इसको अपने दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ। हमें आपके फीडबैक का बहुत इंतजार रहता है, हमें उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उनको जवाब देना बहुत अच्छा लगता है। तो जरूर आप हमारे को शेयर कीजिएगा अपना फीडबैक, आप बनाइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कितना जायकेदार और खुशबूदार ये पुलाव तैयार हुआ है। बिल्कुल आपको इसको लगेगा कि नॉन वेज से किसी तरह भी ये कम नहीं है। चिकन का पुलाव बनाए, मटन का पुलाव बनाए, उससे किसी भी तरह ये कम नहीं है। अभी मेरी बेटी इसको चक्के गई है तो उसकी मतलब मुंह से वाओ सिर्फ निकला, वाओ, जो कि बस चिकन के या मटन का ही खाना चाहते हैं, उनको ये भी बहुत जबरदस्त लगा। तो आप बनाइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जब आप सर्व करें ऊपर से लाल प्याज थोड़ा सा और डाल दीजिएगा, खूबसूरत लगता है देखने में। चलिए तो अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, देखते रहिए शायला आज़स्तरखान।